नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल एक मनोवैज्ञानिक हूँ, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका और हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी। आप सब पिछले साल जुलाई से लेकर अब तक मेरे साथ इस जीवन मूल्यों की यात्रा में साथ साथ सफ़र कर रहे हैं। इस यात्रा में अब हम एक बहुत ही खूबसूरत पड़ाव पर आ पहुँचे हैं जिसका नाम है इनर हार्मनी। दोस्तों, हम सब पूरे जीवन खुशियों की तलाश में रहते हैं। अगर हम किसी से ये पूछें कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, तो सब यही कहेंगे कि मुझे एक खुशहाल जीवन चाहिए। तो ये खुशी कैसे हमें मिलेगी? हम जब छोटे होते हैं तभी हमें ये सिखाया जाता है कि बेटा, पढ़ो लिखो, बड़े आदमी बनना, बड़ा घर लेना, बड़ी गाड़ी लेना, फिर तुम खूब खुश रहोगे। और हम इस दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हम जब पढ़ाई करते हैं तो फर्स्ट आना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बड़ा सा घर बनाना चाहते हैं, अच्छी अच्छी महंगे महंगे कपड़े पहनना चाहते हैं, दूर दूर देशों में महंगी महंगी चीज़ों को देखने के लिए जाना चाहते हैं, महंगी यात्राओं पे जाना चाहते हैं। पर जब हम रात को सोते हैं, उस वक्त हमारे मन में वही तनाव, वही टेंशन्स हमें घेरे रखती है। तब फिर ऐसा लगता है कि कहीं जिस खुशी को हम तलाश रहे हैं वो एक मरीचिका समान तो नहीं है। साइकोलॉजी की जो रिसर्च है वो ये कह रही है कि हैप्पीनेस लाइज इन स्मॉल मोमेंट्स। हैप्पीनेस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में है। हैप्पीनेस बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में है जिनको आगे का सोचते सोचते हम नज़रअंदाज करते जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने सुबह सूरज की किरण का कभी आनंद लिया? क्या कभी फूलों के रंग को सराहा? उस मोमेंट में जब हम जी सकते हैं, उस वक्त हम सोच में रहते हैं और वो मोमेंट हाथ से निकल जाता है। ये आंतरिक खुशी, इंटरनल ब्लिस, हमें कैसे मिलेगी और इसकी तलाश कैसे पूरी होगी? एक बहुत ही सुंदर मूवी हेमा फाउंडेशन द्वारा बनाई गई इनर हार्मनी, जिसमें दादा और पोते का खूबसूरत सा रिश्ता दिखाया गया है। कैसे दादा की छोटी सी खुशी के लिए पोता बहुत परिश्रम करता है और उसे तब पता चलता है कि अठन्नी की खुशी क्या होती है। आइए मेरे साथ इस मूवी को देखना और इसके साथ जो दिए हुए टास्क हैं उनको कंप्लीट करना, जैसे आप हमेशा करते आए हैं। और इस पड़ाव में आपको इनर हार्मनी अगर महसूस हो तो मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद।